नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे वैशाख मास की पूर्णिमा के बारे में। इस बार वैशाख की जो पूर्णिमा है वो 23 मई बृहस्पतिवार के दिन है, जिसे बुध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ ही इसे धर्मराज व्रत भी कहा जाता है। इस दिन बुध पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, मंत्रों का जप करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी कभी भी नहीं होती है। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और इसके साथ ही एक आसान से उपाय की बात भी ज़रूर करेंगे जिससे आपके जीवन में अगर कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है तो वो दूर ज़रूर हो, और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको ज़रूर प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इस बार बृहस्पतिवार 23 मई के दिन बुध पूर्णिमा के दिन कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इन शुभ योगों में पूजा पाठ, आराधना, भक्ति और मंत्र जप करने से आपको कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये योग हैं शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग। इसी के साथ ही क्योंकि गुरु, सूर्य और शुक्र एक ही साथ एक ही राशि में मौजूद हैं, तो इससे भी ग्रहों की युति से भी कई बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें शुक्र और सूर्य की युति से बन रहा है शुक्रादित्य योग। इसके साथ ही गुरु और सूर्य की युति से बन रहा है गुरु आदित्य योग, और गुरु और शुक्र की युति से बन रहा है गज लक्ष्मी योग। तो इन शुभ योग में अगर आप मंत्रों का जप करते हैं, अगर मंत्र जप गुरु मंत्र कर सकते हैं इसमें, अगर आप बहुत ज़्यादा विष्णु सहस्र नाम का पाठ ना कर पाएँ या कोई और पूजा भक्ति ना कर पाएँ, तो आप एटलीस्ट अपने गुरु के मंत्र का जप इस दिन ज़रूर करें। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ आप कर सकते हैं। तो इस दिन आपको भी तिल मिश्रित जल से स्नान ज़रूर करना चाहिए। स्नान आदि के बाद एक चौकी पर आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित ज़रूर करें। इसके साथ भगवान का अभिषेक करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं, धूप दीप दिया दिखाएं, और इसके साथ ही भगवान को जब श्री हरि विष्णु को आप भोग लगाएं तो उसमें एक तुलसी दल आप ज़रूर रखें, क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है। इसके साथ ही आपको सत्यनारायण भगवान की आप कथा कह सकते हैं, आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है, आप पाठ नहीं कर पाएंगे, तो आपको कम से कम 10 माला गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है तो आप श्री हरि विष्णु के इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी 10 माला जप ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो भी कार्य हैं, जो भी चीज़ें, जो भी काम आप करना चाहते हैं, उनमें सफलताएं आपको ज़रूर मिलती है, सफलता आपको ज़रूर मिलती है। इसके साथ ही संध्या के समय आपको चंद्रदेव को देख करके उन्हें थोड़ा सा चावल, चीनी मिला हुआ और दूध मिला हुआ जल उनको अर्पित ज़रूर करना चाहिए, और इसके साथ ही आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस दिन बुध पूर्णिमा के दिन दान का भी अपना ही महत्व है, तो इस दिन आपको दान भी ज़रूर करना चाहिए। आप दान में जल और अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न के दान को महादान कहा गया है, जल के दान को भी महादान कहा जाता है, तो इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार जल का और अन्न का दान ज़रूर से करें। अब बात करते हैं एक छोटे से उपाय के बारे में कि बुध पूर्णिमा के दिन आप ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियाँ हैं वो दूर ज़रूर हों। इस दिन आपको माँ लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ी, माँ लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ी हल्दी में रंग करके ज़रूर अर्पित करें, और इसके साथ ही माँ को तिलक करें। वहीं आपको एक मंत्र का जप करना है, कम से कम 108 बार मंत्र का जप ज़रूर करें, और अगर 10 माला मंत्र का जप कर पाएँ तो और भी अच्छा है। तो आप ओम श्रीम श्रियाई नमः इस मंत्र का जप आप ज़रूर करें, और इसके बाद अगले दिन इन पीली कौड़ी को आप लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पे भी आप अपना पैसा, जो भी आप अपनी चीज़ें रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहाँ पे आप ज़रूर रखें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन में जो धन संबंधी परेशानियाँ हैं, मुश्किलें हैं, वो दूर ज़रूर होंगी और आपकी आय के नए नए स्रोत भी ज़रूर बनेंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।